हेलो व्यूवर्स, गुड आफ्टरनून खम्मागणी, जय हिंद एंड जय राजस्थान। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस जगह को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है स्मृति वन, जो कि जयपुर में जेलन मार्ग पर स्थित है, जो कि एक बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं टिकट विंडो पर, टिकट लेते हैं और विजिट करते हैं स्मृति वन। और ये है स्मृति वन का मेन गेट, जहाँ से आप इसमें एंट्री करेंगे। और ये जो आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये है यहाँ का टिकट विंडो। तो टिकट विंडो के बिल्कुल सामने आप आएंगे बाइक पार्किंग में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टिकट विंडो पे हमें टिकट 30 ईच पड़ी है विथ आईडी प्रूफ। तो इन फ्यूचर आप कभी भी यहाँ पर घूमने के लिए आए तो आईडी प्रूफ साथ लेकर आए। विदाउट आईडी प्रूफ आपको शायद ही एंट्री दी जाए यहाँ पर। और सामने पोल पर कुछ इंडिकेट किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस तरफ जा रहे हैं। और ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये है मैप, जिसमें कई जगहों को इंडिकेट किया गया है। और मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से म्यूज़ियम की तरफ, जो कि हमने चुना है सबसे पहले जाने का। तो अब जा रहे हैं हम म्यूज़ियम और देखते हैं वहाँ पर क्या है। और एंट्री करने के कुछ स्टेप्स चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक इको एनवायरमेंटल म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी तरह के पौधे लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं। और अभी हम हैं बटरफ्लाई वैली में। और ऐसा कहा जाता है और रिकॉर्ड में ऐसा पाया गया है कि स्मृति वन में 43 प्रकार की बटरफ्लाई की प्रजातियाँ रिकॉर्ड की गई है, जिनमें से 3 प्रजाति ऐसी है जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है, जो देखने को कम मिलती है। अब देखते हैं आगे हमें कितनी तितलियाँ देखने को मिलती है। और आप देखिए ये बटरफ्लाई वैली का वे, ये यहाँ से नीचे उतर रहा है। और आप देखिए आजू बाजू, अभी तो बिल्कुल खाली है लेकिन बरसात के टाइम ये बिल्कुल भर जाता है। बाहर हमने गार्ड से पूछा था। और ये लेफ्ट हैंड साइड का व्यू, ये राइट हैंड साइड का व्यू। और ये सामने से आप देखिए पाथ बेहद खूबसूरत है। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से? ये देखिए, ये मोर है, बटरफ्लाई वैली में मोर। और इस जगह आप देखिए नीचे के साइड तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बड़े बड़े इनके पंख हैं। आप देखिए वो एक नीचे। तो बटरफ्लाई वैली में बटरफ्लाई तो हमने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पर पिकॉक तो काफ़ी सारे दिखे। तो मुझे तो ऐसा लगता है इसका नाम होना चाहिए था पिकॉक वैली, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे हमने पिकॉक देखे उस हिसाब से नाम भी काफ़ी सूटेबल होगा। और ये आगे का आप पाथ देखिए सामने का। बारिश के टाइम तो यहाँ एकदम सुकून सा मिलता होगा जाने में। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ नाला है। और ये देखिए सामने साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। पिछली बार आ भी गया था तो उसके लिए 4-5 दिन तक ये बंद भी था। स्मृति वन का अस्तित्व जयपुर में आई 1981 की बाढ़ के बाद पहचान में आया। यहाँ बाढ़ आने से इस जगह पर घाटियों का निर्माण हुआ और संस्मरण के तौर पर इस जगह पर वृक्षारोपण किया जाने लगा, जिससे इस जगह का विकास वन क्षेत्र के रूप में होने लगा। और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री कपूरचंद कुलिश ने इस जगह का संरक्षण किया और उन्हीं के नाम पर इस जगह को कुलिश स्मृति वन कहा जाने लगा। लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और हरित अभियान के तहत इस जगह को जैव विविधता वाले वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया। 8 अक्टूबर 2005 को इस जगह की नींव राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने रखी और 2007 से इस प्रतिबंधित क्षेत्र को आमजन को सौंपा गया। और यह है स्मृति वन की एक नर्सरी, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। और कुछ ही क्यारियों में अभी पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर। और वो मेरे पीछे एक नर्सरी है और उसी के आगे एक छोटा सा पुल है, जो कि बहुत सुंदर है।
और उसी पुल के आगे देखिए पॉन्ड में एक लोटस खिला हुआ है। तो जब कभी आप स्मृति वन विजिट करने आएंगे तब आपको इस बात की अनुभूति होगी कि ये कपल डेस्टिनेशन है, यहाँ पर कपल सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। उम्मीद है आप सबको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। धन्यवाद।